नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्यूटीफुल एक्वेरिया चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो फ्रेश वाटर के एक्वेरियम फिशेज के कलर्स के ऊपर काम करता है। तो जितने भी हमारे फ्रेश वाटर एक्वेरियम हॉबिस्ट है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके सभी फ्रेश वाटर एक्वेरियम हॉबिस्ट है उन सभी के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो उन सभी को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ऑल करो, क्योंकि जैसे हम वीडियोस अपलोड करेंगे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिशेस के नेचुरल कलर के बारे में। आपकी एक्वेरियम फिशेस का जो नेचुरल कलर है उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे एनहांस करना चाहिए, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। नेचुरल कलर एनहांस करने के लिए कुछ फैक्टर्स पे हमें काम करना पड़ेगा, तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो आपके एक्वेरियम फिशेस के कलर्स के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर आता है उनका टैंक साइज। आपको टैंक साइज ऐसे सिलेक्ट करना है जिससे आपके एक्वेरियम फिशेस को एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी जो फिशेस है वो हेल्दी, एक्टिव और कलरफुल रहेंगे। एक प्रॉपर टैंक साइज आप जब भी अपने घरों में रखते हो तो आपके फिशेस के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको उनकी जो ग्रोथ के लिए, उनके कलर्स के लिए। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने घरों में अगर एक्वेरियम रखना चाहते हो तो आप अपने फिशेस के बारे में पहला स्टडीज करो और उनके हिसाब से आपको अपने घरों में जो है टैंक साइज जो रखना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा अरवाना के बारे में। अगर आप अरवाना लेने जा रहे हो तो आपको एक 4 से 5 फीट का एक एक्वेरियम टैंक आपको सिलेक्ट करना है। जब आपका अरवाना बढ़ते जाएगा तो उसके लिए वो एक बड़ा साइज जो है 4 से 5 फीट का जो टैंक है वो उसके लिए काफी ज्यादा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे उसकी हेल्थ जो अच्छी रहेगी, लेकिन वो अपना नेचुरल कलर उसमें मेंटेन कर पाएगा, एनहांस कर पाएगा। तो जो टैंक साइज जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है आपके एक्वेरियम फिशेस के हेल्थ के लिए और उनके कलर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकेंड फैक्टर जो है वाटर क्वालिटी। जितने भी हमारे एक्वेरियम हॉबिस्ट है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्वेरियम फिशेस के लिए जो एक अच्छा वाटर क्वालिटी मेंटेन करो। अच्छे वाटर क्वालिटी में आपकी जो फिशेस है वो नेचुरली जल्दी ग्रो होती है। तो वाटर क्वालिटी काफी ज्यादा मैटर करता है आपकी एक्वेरियम फिशेस के हेल्थ के लिए और उनके नेचुरल कलर्स को मेंटेन करने के लिए। एक अच्छे वाटर क्वालिटी में सबसे पहला आता है एक पीएच लेवल। जितने भी हमारे एक्वेरियम फिशेस है उन सभी के लिए एक आइडियल पीएच लेवल आपको मेंटेन करना होता है। तो जितने भी हमारे एक्वेरियम हॉबिस्ट है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल पे सर्च करो आपके एक्वेरियम फिशेस के लिए कौन सा आइडियल पीएच लेवल है और उसे हो सके तो आप मेंटेन करो, क्योंकि एक आइडियल पीएच लेवल की वजह से आप अपने एक्वेरियम फिशेस का जो है नेचुरल कलर ग्रो कर पाएंगे और जो फिशेस की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है एक अच्छे पीएच लेवल मेंटेन करने की वजह से। एक अच्छे वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक अच्छा वाटर कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी है। आजकल इंडियन मार्केट में ढेर सारे रीजनेबल वाटर कंडीशनर्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप अपने एक्वेरियम का जो है वाटर क्वालिटी एक अच्छा मेंटेन कर पाओगे, एक बेस्ट वाटर क्वालिटी आप उन्हें दे पाओगे। तो हो सके तो आप अपने एक्वेरियम फिशेस के लिए एक अच्छा वाटर कंडीशनर यूज करो, रेगुलर यूज करो, जिनकी हेल्प से आपकी फिशेस जो है हेल्दी तो रहेगी साथ में कलरफुल भी रहेगी। एक अच्छी वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास एक अच्छा फिल्टरेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे फिल्टरेशन सिस्टम की वजह से आप अपने एक्वेरियम फिशेस को एक अच्छी वाटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जितने भी हमारे एक्वेरियम हॉबिस्ट है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे क्वालिटी के फिल्ट्रेशन सिस्टम, फिल्टर मीडियास और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आप यूज करो और आपकी फिशेज के लिए एक अच्छा वाटर क्वालिटी प्रोवाइड करो जिसकी हेल्प से आपकी फिशेज जो है वो नेचुरली ग्रो कर पाएगी और कलरफुल रहेगी। सो दोस्तों, अच्छी वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के बाद आपको एक अच्छा फूड जो है सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आजकल इंडियन मार्केट में ढेर सारे फूड्स अवेलेबल है हर एक फिशेज के लिए। तो जितने भी हमारे एक्वेरियम हॉबिस्ट है आप अपने फिश के लिए एक अच्छा फूड जो है सिलेक्ट करो
अच्छे फूड में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पैलेट्स हो गए, फ्लेक्स हो गए, फ्रोजन फूड्स हो गए, ड्राइड फूड्स हो गए, लाइव फूड्स हो गए। तो इन सभी फूड्स का एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आप अपने फिशेस के लिए रखो, जिसके हेल्प से आप आपकी फिशेस का जो है नेचुरल कलर जो है मेंटेन तो कर पाओगे, आपकी फिशेस जो है वो जल्दी ग्रो कर पाएंगी। तो एक अच्छा फूड जो है काफी ज्यादा मैटर करता है आपकी फिशेस के हेल्थ के लिए और उनके नेचुरल कलर्स को मेंटेन करने के लिए। एक्वेरियम फिशेस का नेचुरल कलर ग्रो करने के लिए आपको एलईडी लाइट्स भी जो है काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो पता है कि अरवाना का जो कलर एनहांसमेंट होता है वो टैनिंग लाइट्स की वजह से होता है। टैनिंग लाइट्स में जो सनलाइट का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से अरवाना के जो स्केल्स होते हैं वो ज्यादा कलरफुल हो जाते हैं, जैसे कि गोल्डन है तो उनका जो कलर शाइन है वो गोल्डन हो जाता है और जो स्केल्स का जो शाइन है वो भी ग्रो करता है। तो एलईडी लाइट्स जो है काफी ज्यादा मैटर करती है आपके एक्वेरियम फिशेस का कलर ग्रो करने के लिए। तो और ढेर सारे एलईडी लाइट्स अवेलेबल है आज इंडियन मार्केट में, तो आप अपने एक्वेरियम फिशेस के लिए एक अच्छी क्वालिटी के एलईडी लाइट्स यूज करो और आपके एक्वेरियम फिशेस का जो है नेचुरल कलर जो है वो ग्रो करो। एक्वेरियम फिशेस का कलर मेंटेन करने के लिए एक आइडल टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। गूगल पे आप सर्च करोगे हर एक फिशेस के लिए एक आइडल टेम्परेचर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जितना पॉसिबल हो सके आप अपने एक्वेरियम फिशेस को एक आइडल टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हो तो आपकी फिशेस जो है वो नेचुरली ग्रो तो करेगी, लेकिन साथ में आपकी फिशेस जो है वो कलरफुल भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, वो है विटामिन्स और मेडिसिन्स। विटामिन्स और मेडिसिन जो है वो फिशेस के इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनका जो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो अच्छे से मेंटेन करते हैं और इनकी हेल्प से जो है आपकी फिशेस एक्टिव और कलरफुल रहती है। सो दोस्तों, ये थे कुछ की फैक्टर्स जो आपके एक्वेरियम फिशेस का नेचुरल कलर एनहांस करते हैं, उनका जो नेचुरल कलर है उसे मेंटेन करते हैं। लेकिन और एक जो प्रोडक्ट है उससे आप अपने एक्वेरियम फिशेस का जो है कलर एनहांस कर सकते हैं, तो आज का वीडियो उसी कलर एनहांसर के बारे में है और उस प्रोडक्ट का नाम है कैरेफुल रेड और कैरेफुल येलो। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो है रेड कलर डेवलपमेंट के लिए, आप उसे यूज कर सकते हो। कैरेफुल रेड जो आता है वो रेड कलर डेवलप करता है और कैरेफुल येलो जो है वो येलो कलर डेवलप करता है। तो जितने भी हमारे फ्रेश वाटर की जो फिशेस है, जैसे कि डिस्कस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, पैरट्स हो गए, चिचिलिट्स, अरवानास, तो आप ये कैरेफिल रेड और कैरेफिल येलो जो है यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, राइट साइड में जो एक 10 ग्राम का पैकेट है वो है कैरेफिल रेड और जो लेफ्ट साइड में जो दो पैकेट है, ये दोनों पैकेट 10 10 ग्राम के हैं, तो ये है कैरेफिल येलो। और इन्हीं की हेल्प से जो भी आपकी जो फिशेज होती है, फ्रेश वाटर की जो फिशेज होती है, उनका कलर एनहांस किया जाता है। जितनी भी हमारे ब्रीडर्स फार्म होती है, जितने भी हमारे डिस्कस ब्रीडर्स होते हैं, फ्लोरम ब्रीडर्स होते हैं, अरवाना ब्रीडर्स होते हैं, वो ये कलर एनहांसर यूज करते हैं और आपके जो फिशेस का कलर है इनके वजह से मेंटेन होता है। लेकिन जब आप वो फिशेस अपने घर पे बाय करके लेके आते हो तो हॉबीज को इन कलर एनहांसर के बारे में पता ही नहीं होता है और वो कभी यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो यही रीजन होता है जब आप अपने घर में जो है वो फिशेस बाय करके लेके आते हो तो थोड़े दिनों के बाद आपके फिशेस का जो कलर है वो डल होता है। तो इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से जो है आपकी फिशेस पहले स्टार्टिंग में आप जब आप शॉप में देखते हो तो काफी ज्यादा रेड और येलो दिखने आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कलर एनहांसर से आपको फिश के साथ, फिश फूड के साथ आपके फिशेस को खिलाना होता है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक क्लोजर व्यू। ये है कैरेफिल रेड पाउडर टाइप है, इसको आपके फिश फूड के साथ मिक्स करना होता है और उसी फिश फूड को आपके फिशेस को देना होता है, जिससे आपका जो फॉर एग्जांपल जो सुपर रेड होता है, अरवाना, फ्लोरेंस होते हैं, डिस्कस होते हैं, उनका जो रेड कलर है वो एनहांस होता है। और ये रहा कैरेफिल येलो, ये भी पाउडर टाइप ही है, इसे भी आपको सेम फिश फूड के साथ मिक्स करके आपके फिशेस को देना होता है, जिससे आपके फिशेस का येलो कलर जो है वो एनहांस होता है। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इस इन जो है कलर एनहांसर को यूज करोगे तो हमेशा ये जो 10 ग्राम्स के जो पैकेट्स है वो यूज करो
और आपके फिशेस का जो कलर है वो एनहांस करो, लेकिन आप इसे परमानेंटली यूज मत करना, क्योंकि इसका जो एक माइनस पॉइंट है, जब तक आप उसे यूज करते हो तब तक आपके फिशेस का जो कलर्स है वो मेंटेन होता है। एक बार आप उसे यूज करना बंद कर दोगे, आपका फिशेस का जो नॉर्मल कलर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ कलर एनहांसर्स, आपके लिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितने भी हमारे फ्रेश वाटर के जो हॉबिस्ट हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थे वो दोनों प्रोडक्ट, कैरफिल रेड और कैरफिल येलो, ये दोनों मैंने अरेंज किए हुए हैं हमारे अरवाना के जो हॉबिस्ट है मिस्टर अभिषेक दास गुप्ता जी। हाँ, आपको तो पता है उनका एक एक्वेरियम यूट्यूब चैनल भी है, अभी स्टूडियो करके। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है मैंने उनके लिए अरेंज किए हुए हैं। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट खरीदने हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था कैरफिल रेड और कैरफिल येलो के बारे में ये फर्स्ट वीडियो, लेकिन इसका जो सेकेंड वीडियो के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, अविदा से हम बात कर सकते हैं और सेकेंड वीडियो में हम आपको दिखा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपके फिशेस का जो कलर है वो कितना एनहांस हो सकता है। तो ये सेकेंड वीडियो में हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए ये सेकेंड वीडियो हम बनाए, और हम अविदा से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सेकेंड वीडियो है जो है आप उसके ऊपर काम करो, और जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है उनके लिए ये सेकेंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो दोस्तों, जितने भी जो हमारे सब्सक्राइबर है ये जो वीडियो देखेंगे, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक हैशटैग डालना होगा, जिससे आप पता चलेगा कि हम जो है सेकेंड वीडियो के लिए कितना रेडी हो पाएंगे और कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है हमें सेकेंड वीडियो के लिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हैशटैग टाइप करना है, हैशटैग टाइप करना है अवि स्टूडियो, और आगे कंटिन्यू करना है कैरफिल रेड आपको लिखना होगा। अगर आपको कैरफिल येलो के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको हैशटैग में लिखना होगा हैशटैग अवि स्टूडियो कैरफिल येलो। तो जितने आपके कमेंट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे अविदा से कि जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने हमारे इस वीडियो को लाइक किया है, इस वीडियो को शेयर किया है, तो उनके लिए आप जो है इस कलर का जो कैरफिल रेड है और कैरफिल येलो है उनके ऊपर जो है सेकेंड वीडियो बनाए, और उसका एक्सपीरियंस जो है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उनके साथ शेयर करें। सो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डाउट हो, या फिर फिश के कलर्स के बारे में, उनके एनहांसमेंट के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें नीचे कमेंट करें, या फिर ईमेल एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और आपका जो एक्वेरियम है उसे भी हेल्दी रखिए।